अंबाला में बिजली कर्मचारियों की मांग को हमारे चैनल सत्य खबर ने प्रमुखता से उठाया था। इसका असर भी अब दिखाई दिया है। बिजली कर्मचारियों की मांग को बिजली के उच्च अधिकारियों ने मानते हुए जेई के खाली पद को भर दिया है। यूनिट सचिव सतबीर देशवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनका धरना प्रदर्शन सफल हुआ। उनकी मांग को उच्च अधिकारियों ने मानते हुए जेई के खाली पड़े पद को भर दिया है। शुक्रवार को ही जेई ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके लिए उन्होंने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने बोर्ड मैनेजमेंट को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में बोर्ड मैनेजमेंट किसी तरह से तंग करेगा तो इस पैडी सीजन और तपती गर्मी में वर्कर यूनियन कोई भी कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ यूएचईबी यूनियन हमेशा लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। आज हम 10वें दिन का जो धरना हमारा सब डिवीजन नंबर 2 में कर्मचारियों द्वारा जेई की एवज में लगाया जा रहा था, आज हमारा यह शांतिपूर्ण, हम कर्मचारियों का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। उन अफसरों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस प्रकरण में हमारा तय दिल से साथ दिया। जो जेई यहां पर आना था ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत, वो हमारा आ चुका है। शुक्रवार को उसने ज्वाइन कर लिया है। हम अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे और भविष्य में बोर्ड मैनेजमेंट को यह चेताना चाहते हैं। आज तो हमारा ये धरना ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत हमारा जेई आ चुका है, हम अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं। पर अगर कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से हमारी बोर्ड मैनेजमेंट तंग करेगी या किसी भी प्रकार से अनऑथराइज चार्जशीट, चाहे वो ट्रांसफार्मर की एवज में है, चाहे वो पीडीसीओ की एवज में है, अगर किसी भी एलम लाइनमैन या किसी फोरमैन जेई को ये जो छोटे छोटे शोकास नोटिस देते हैं और बाद में चार्जशीटें हो जाती हैं, अगर ये भी करना चालू कर दिया इस पैडी सीजन में तपती गर्मी में, ये एचएससी वर्कर यूनियन कोई भी कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगी। ये मत सोचो भी हमने इनके मुँह में बुरकी डाल दी और ये चुप हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे भाई। अन्याय के खिलाफ एचएससी वर्कर यूनियन लड़ाई लड़ती है, लड़ाई लड़ती रहेगी। हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला प्रधान होने के नाते सभी डिपार्टमेंट्स उसमें आते हैं। जो हमारी एनपीएस की मांग है उसको भी हम जोर शोर से सरकार के पास लेने जाना चाहते हैं और अफसरों को ये बात बताना चाहते हैं कि आप भी इस एनपीएस की मुहिम में हमारा साथ दो। आपको भी कल ये बुढ़ापे की लाठी पकड़नी है। एक एक एक्शन रिटायरमेंट होने के बाद 78, 78, 72, 72 सौ रुपये सिर्फ पेंशन लेता है आज के टाइम में ओनली, और उसकी बेसिक जो बनती है वो 70-70 हज़ार रुपये बेसिक है, आधी बेसिक। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सीआईडी के माध्यम से ये बात जताना चाहता हूँ, जो धरना प्रदर्शन लग रहा था शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपना वापस ले लिया है, हम इसको स्थगित करते हैं। जो आगे की कार्रवाई होगी भविष्य में आपके माध्यम से आपको बता दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 10 दिन से बिजली कर्मचारी अंबाला कैंट सब डिवीजन नंबर 2 के बाहर धरना कर रहे थे, खाली पड़े पद को भरने की मांग भी और जेई की नियुक्ति की मांग कर रहे थे, जिसको हमने बखूबी अपने चैनल सत्य खबर पर दिखाया था और अब हमारी खबर का असर दिखाई दिया है। अंबाला से कृष्ण बाली, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।